हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम लोग अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग अपना हीरो सेक्शन बनाएंगे। सो अभी तक हम लोगों ने इतना बना लिया था, नैबा कंप्लीटेड है। नाउ हम लोग हीरो सेक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये हमने एक डिव दिया, डिव के अंदर अब हम लोग एक रो बनाने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट हम बनाएंगे सिक्स कॉलम्स के टू पार्टीशंस। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट पार्टीशन रहेगा उसमें हम लोग अपनी इमेज डालेंगे, एंड सेकंड पार्टीशन में हमारे पास टेक्स्ट आने वाला है। सो इमेज, ओके, इस प्रोजेक्ट में जितने भी हमारे को एसेट्स की नीड होगी, इमेजेस, आइकन्स एंड पोर्टफोलियो, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे इंक्लूड कर चुका हूँ। ये सब आपको मेरे गिटहब रेपोजिटरी के लिंक में मिल जाएंगे, जो कि कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए, तो ये हमारी इमेज हो गई एंड अब हमने पेज को रिफ्रेश किया तो ये हमारी जो इमेज आ रही है ये आ गई, बट इसे थोड़ा सा हमें ऑप्टिमाइज करने की नीड है। सेकेंडली, अगर हम देखें तो हमारे पास वेबसाइट में एक हॉरिजॉन्टल स्क्रोल आ गया है। इस स्क्रोल को रिमूव करने के लिए हमें रो के साथ मार्जिन जीरो देनी पड़ेगी। ये देते ही हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रोल रिमूव हो गया। नाउ इस इमेज की ऑप्टिमाइजेशन करनी है, वो कैसे करेंगे? यहाँ पे हम लोगों ने क्लास डालते हैं हेड इमेज। ओके, तो इस क्लास पे हम थोड़ी सी CSS डालेंगे। एक तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, ये सभी यही करते हैं। सो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। नेक्स्ट, इसका जो कंटेंट है उसे हम सेंटर अलाइन करेंगे इस क्लास से, टेक्स्ट सेंटर। तो ये इमेज सेंटर अलाइन हो गई। ओके, एंड यहाँ पे टॉप से थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं 5 की, ये हो गया। नेक्स्ट, अब हमें इस इमेज पे थोड़ा सा काम करना है। इमेज को हमें साइज सेट करना है एंड इसको बॉर्डर, इसका रेडियस, बॉर्डर रेडियस डालना है। सो उसके लिए हमने यहाँ पे इसमें इमेज एक आईडी दे दी एंड इस आईडी को हम लोग मॉडिफाई करेंगे। हमने इसका बॉर्डर रेडियस दिया 100 पिक्सल्स एंड हाइट विड्थ सेट की 300 पिक्सल्स ईच। ओके, सो बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ओके, सो हमारी इमेज हो गई कर्व्ड। नेक्स्ट, हम अपने इस सेक्शन की हाइट सेट कर सकते हैं टू 90 टाइम्स ऑफ व्यू पोर्ट हाइट, 90% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट। ये हमने इस सेक्शन की अपनी हाइट सेट कर दी। कोरस्पॉन्डिंगली इसी के साथ हमारे को साथ वाले सेक्शन में अब यहाँ पे टेक्स्ट डालना है। ओके, चलिए, अब यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट डालते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट के लिए हम लोग सर्च करेंगे लॉरम इप्सम, डमी टेक्स्ट होता है, हम इसे यूज करने वाले हैं अपने लिए। ये आ गया। ओके, सो आइए इसे हम लोग यूज करते हैं। ये आ गया। इसमें हमें थोड़े से चेंजेस करने की नीड है, इन चेंजेस को हम लोग इस क्लास में करते हैं। ये हमने क्लास बना दी। ओके, यहाँ भी टेक्स्ट में हम टॉप से 5 की पैडिंग दे देते हैं, 5 प्लस नेक्स्ट। ओके, चलिए, एक हम बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे, ये हो गया। ओके, चलिए एक काम करते हैं, इस क्लास को हम इधर डालते हैं। ओके, एंड इसका कलर हमें वाइट करना है। टेक्स्ट कलर हमने वाइट कर दिया। सो इस डिव की अभी हमें नीड नहीं है, इसे हम हटा सकते हैं। चलिए, ठीक है। सो ये हमारा ऑल। ओके, सो ये हमारे पास आ चुका है, इतना काम रेडी है। नाउ अब हमें इस पर एनिमेशन डालनी है। ओके, एनिमेशन डालने से पहले एक चीज़ और करते हैं।
हम यहाँ पे अपना एक बटन बनाते हैं सीवी के लिए। ओके, बटन बनाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, बटन सर्च करेंगे। इसमें हमारे पास ये बटन आ गया, एंकर टैग का यूज़ करके हमने बटन बना रखा है, हम इसे यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ओके, जस्ट एक थिंग है, एक दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये बटन आ गया। सबसे पहले हमने इसका बटन का कलर चेंज कर दिया एंड इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया। ओके नाउ, अब हम इसके बॉर्डर्स को कर्व करेंगे, ये हमने इसमें क्लास लगा दी। ओके नेक्स्ट, अब हमें इसमें सीवी, अपने तो एंकर टैग में HREF है, यहाँ पे हम अपना सीवी का लिंक डाल देंगे। तो एसर्ट्स एंड ये हमारा सीवी है। इस सीवी को डाउनलोडेबल बनाने के लिए हमें एक क्लास और ऐड करनी पड़ेगी, डाउनलोड। नाउ ये हमारा सीवी, यहाँ से आप कोई भी डाउनलोड कर सकता है, बट इसे हम नेक्स्ट टैब में खोल देते हैं। ये हो गया। अब सीवी नेक्स्ट टैब में। ओके, इसे रिफ्रेश नहीं किया गया वेबसाइट। यस, ये हमारा नए टैब में खुल गया। ओके, अब हम इस पे एनिमेशन लगाते हैं, टेक्स्ट पे। एनिमेशन लगाने के लिए हमारे को सर्च करना होगा टाइप जेएस। इसमें ये सेकंड वाला है हमारे पास, matbold.com की गिटहब रिपोजिटरी है, इस पे हम काम करने वाले हैं। ओके, यहाँ से हम गए गिटहब पे एंड इनकी हम जिप फाइल डाउनलोड करेंगे। हमारी फाइल सेव हो चुकी है मोस्ट प्रोबेबली। ओके, ये रही। तो इसको हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड इस पार्ट को कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों को पेस्ट करना है। यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया। ओके, ये हमारे पास यहाँ पे हमारी टाइप डॉट जी एस मास्टर फोल्डर आ गया है। अब इस फोल्डर का हम लोग यूज़ करके अपनी एनिमेशन डालने वाले हैं। एनिमेशन कैसे डालेंगे, उसके लिए वापस से गिटहब पे चलते हैं। यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है, इसका यूज़ करके हम लोग अपनी एनिमेशन डाल सकते हैं। हमें दो चीज़ें करनी है, एक तो ये CDN लिंक इम्पोर्ट करना होगा, ये डाल दिया। एंड सेकेंडली हमें ये छोटी सी जावास्क्रिप्ट कोड है, ये डालना है, इसे हमने यहाँ पर डाल दिया। ओके, तो ये हमारा काम हो चुका है। अब बस हमें क्या करना है, इस सेक्शन को कॉपी करना है एंड जहाँ पे भी यूज़ करना है वहाँ पे इसे हम डाल देंगे। ओके, सो होगा क्या, अब ये जो अंदर वाला टेक्स्ट है, इतना टेक्स्ट हमारा एनिमेशन की फॉर्म में आएगा। चलिए देखते हैं इसे। ये टेक्स्ट हमारा एनिमेशन की फॉर्म में आ रहा है। अब हमने क्या किया, हमें ये सारा नहीं चाहिए, हमें ये वाला टेक्स्ट चाहिए, तो हमने इतने को यहाँ से कट किया एंड इस वाले को रिमूव करके इस पे हमने पेस्ट कर दिया। डन, तो ये हमारा टेक्स्ट आ। ओके, सो नाउ इसे हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, जो ये हमारा सारा टेक्स्ट है इसे हमें पी टैग के अंदर इनक्लोज करना पड़ेगा। इसी वजह से वहाँ पे एरर आ रही थी एंड वो रन नहीं हो रहा था। ये अब हमारा ठीक से रन होने लगा। ओके, बट अब इसकी हमारी स्पीड काफ़ी फास्ट है। इसकी स्पीड स्लो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके टाइप स्पीड डाल देंगे। जितने ज़्यादा यहाँ पे नंबर एंटर करेंगे उतनी स्लो स्पीड होगी। ओके, 20 था, 20 का हमने 200 कर दिया, तो स्पीड और स्लो हो जाएगी। नॉर्मली यहाँ पे आई गेस 10 ठीक रहेगा। यस, हम और भी इसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 16। यस, इतना ठीक है। ओके, ये हमारा वेबसाइट का हीरो सेक्शन रेडी हो चुका है। इसमें हम एक चीज़ और करते हैं, जो हमारा सारा अभी तक का काम है उसे हम गिटहब पे डाल सकते हैं। ओके, तो करते हैं इसे, हमने गिट इनिट किया, इनिशियलाइज कर दिया, देन गिट ऐड एंड देन गिट कमिट, एडिड नेवबार एंड हीरो सेक्शन। ओके, ये सारा काम हमारा गिट पे जा चुका है। आगे के वीडियोस में हम लोग सीखेंगे कि इसे गिटहब पे कैसे डालें। ओके, सो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस एंड थैंक यू।